Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video and welcome to Thinkar Academy powered by STS. And आज जो एक जो मैं ये वीडियो है ये टेक्निकल वीडियो नहीं है बट मगर ये टेक्निकल वीडियो से भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से एडवांस है. पहले शुरू करने से पहले ये आपको मैं बोर्ड पे तीन चीजें दिखा रहा हूं और उसको डिस्कस करेंगे. बोर्ड पे दिखा आ गया ठीक है आ जा. ये जो है ये मेरी जो ट्रेनिंग है जो मैं करता हूं और जो भी होती है हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें कि कमर्शियल एस्पेक्ट है. और कमर्शियल एस्पेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ये गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ है. नंबर वन, यू डिडंट मेक इट. मतलब ये गाड़ी ना आपने ना मैंने ये हमने ना हम में से किसी ने भी नहीं बनाई. हम टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं. यू डिडंट बाय इट मतलब ना आपने ना मैंने वो गाड़ी खरीदी है. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यू डिडंट ब्रेक इट. ना आपने ना मैंने ये जो गाड़ी है ये जो खरीदी गई गाड़ी है इसको हमने खराब नहीं किया. ये मैं उस संदर्भ में उस चीज में बात कर रहा हूं कि जब कस्टमर आता है हमारे वर्कशॉप पे हम लोगों को बहुत ज्यादा झिझक होती है सीधे तरीके से अपने जो हक के पैसे हैं जो हमारे हक का पैसा है वो मांगने में. और मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता है कि हम लोगों ने जो बेसिक कोर चीज है डायग्नोसिस की कि जब तक आप डायग्नोस नहीं करोगे एक खराब गाड़ी को आप कैसे आगे बढ़ोगे. और उस डायग्नोसिस का जो हमने जो उसके जो चार्जेस हैं जो हमने उसकी रेड़ पीटी है इस मुल्क में जो हमने भद पीटी है. और हम अकेले नहीं है. ये चीज जो बाहर जो टेक्नीशियन हैं वो भी ये फील करते हैं. उनको भी ये झिझक आने लग गई कि कस्टमर को यू नो हम कैसे बोले जी कि ये वो तो जी 200 में कर रहा है 500 में कर रहा है. देखो बात ये है अगर आप ये तीन फंडे अपने जहन में डाल लो कि आपने ये गाड़ी बनाई नहीं आपने ये गाड़ी खरीदी नहीं और आपने ये गाड़ी खराब की नहीं. ये तीनों चीजें जो है जो आपका कस्टमर आपके पास गाड़ी लेके आया है ये उसकी प्रॉब्लम है. हमारा काम ये है अगर वो हमें हमारे डायग्नोसिस से खुश होके और वो हमसे इंप्रेस होके वो हमें गाड़ी देता है तो हमारी एक ही जिम्मेवारी रहती है और वो है कि हम उस गाड़ी को ठीक करें. अब क्वेश्चन ये है जनाब कि हम लाखों रुपए के स्टैंड टूल खरीदते हैं लाखों रुपए की ये चीजें वो खरीदते हैं सब कुछ करते हैं किस लिए करते हैं. हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपने टूल्स वगैरह जो है वो बढ़िया हमारा सेटअप हो कस्टमर हमारे से इंप्रेस हो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए जिससे कस्टमर हमारे पास परमानेंट बना रहे. घूम फिर के क्या है अगर कस्टमर ने गाड़ी खरीदी तो उसका बायर और सेलर रिलेशनशिप है. बंदे ने बेची है एक ने खरीदी है उसको पसंद आया उसने खरीदी राइट. हम लोग जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर हमारे पास सर्विस मांगने आ रहा है हम सर्विस प्रोवाइडर हैं. हम सर्विस अगर प्रोवाइडर हैं तो हम अपने चार्ज जो लेजिटिमेट चार्ज हैं वो क्यों ना चार्ज करें. अब मैं एक और चीज पे जाता हूं कि ये जो मार्केट है हर चीज की चाहे स्कैनर हो चाहे कुछ हो ये अगेन
एक बायर एंड सेलर मार्केट है, ये कमर्शियल चीज है जिसमें बिजनेस है। हमारा बिजनेस है एक स्कैनर को बेचना, आपका जरूरत है तो आप उस स्कैनर को खरीदोगे। जो भी आदमी अपने प्रोडक्ट को बेचता है, जाहिर सी बात है अगर किसी ने गाड़ी बेचनी है, हुंडई है, किया है, मारुति, वो अपनी पूरे जो उसका महिमा मंडन बखान करेगा कि भाई साहब इससे बेहतरीन आपकी गाड़ी है ही नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने मारुति ऑल्टो K10 ले ली है जिसका बजट है K10 का, तो जनाब उसके लिए तो वही मर्सिडीज है और वही फरारी है और वही पोर्शे है, राइट? तो हम लोग जब, अगर आप लोग स्कैनर एक खरीदते हो, ये इमटीरियल है कि वो क्या है, मतलब कौन सी कंपनी के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या है। आज अगर हमारा चाइनीज जो इंडियन हेड है वो इधर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो वो कोई ना वो हम पे एहसान कर रहा है और ना हम अगर अपना ये टूल ठीक करेंगे, जो भी इसमें कमियां पेशी हैं इसको ठीक कराएंगे, तो ना हम उन पे एहसान कर रहे हैं ना आप लोगों पे एहसान कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो टूल है वो बिके। आप लोगों को अगर हम लोग अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप टूल लोगे क्यों? बाकी ये है कि जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं, मार्केटिंग गिमिक्स जो हैं कि जो एक तो जो इस मुल्क में जो 15 अगस्त से, इंडिपेंडेंस डे से जो ऑफर का मामला चला है, वो यूं चला है कि ऐसा कोई महीना नहीं है भाई कि कोई ऑफर ना निकले। एक जमाने में वो मलाइका अरोड़ा जी उसके मॉडलिंग करती थी, एक कंपनी है फर्नीचर ड्यूरियन करके, आई डोंट नो फ्रेंच है स्वीडिश है मुझे नहीं मालूम, ड्यूरियन करके थी कई साल पहले, अब तो खैर दिखती नहीं है। उसमें पूरी जिंदगी 12 महीने 60% डिस्काउंट लगा होता था। अब कोई आदमी अकलमंदी से पूछे कि आप जो 60% डिस्काउंट दे रहे हो वो कोई आप अपनी जेब से तो भर नहीं रहे हो, जाहिर सी बात है तेल तो तिलों से ही निकलेगा, तो ये तो सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बात ये है कि ये जो अभी ऑफर मैंने देखी, रमादान की ऑफर है साहब, रमादान का पाक महीना है, इस पाक महीने में भाई अगर ऑफर ही देनी थी तो मेरे हिसाब से आप ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि आप टूल बुक कर लीजिए 5,000 रुपए देके, ईद पे हम एक लकी ड्रॉ सिस्टम निकालेंगे और अगर आप उसमें से लकी विनर हुए तो साहब वो टूल आपके लिए फ्री है और आपने जो 5,000 रुपए दे वो भी वापस है। वो तो समझ आता है कि आपने कोई अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ दिया इस पाक महीने में। ये क्या है कि साहब ऐसा है कि आपको, आप ये टूल लीजिए, हम आपको एक वीडियो स्कोप जो है ये वीडियो स्कोप फ्री देंगे। अरे भैया अगर एक डायग्नोस्टिशियन है, मैं एक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस करता हूं, मैं इसका क्या करूंगा वीडियो स्कोप का? और जो ब्रेकआउट बॉक्स देख रहा हूं मैं उसमें वो 2009-10 की बात की गाड़ियों में आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप देख क्यों रहे हो? ब्रेकआउट बॉक्स अगर आपने लेना भी है भाई, अगर वो कैन बस नेटवर्क आप चेक करोगे तो वो जो 4,000-5,000 रुपए का जितने का भी वो ब्रेकआउट बॉक्स है उसमें 60,000-65,000 रुपए का तो जनाब ऑफिलो तब तो वो चले। अब है क्या कि हर टूल पे वही वीडियो स्कोप लॉन्च का पेल दिया? अरे भाई अगर इस पाक महीने में कुछ देना है दिल खोल के दो। ये क्या है कि पड़ा कबाड़ा कुकोड़ा लॉन्च का पड़ा हुआ माल आपने जो बच गया खुच गया वो टिका दिया, रमादान ऑफर स्पेशल ऑफर, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है।
और ये मार्केटिंग गिमिक्स ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो नहीं करती। कोई जी एक्सचेंज ऑफर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अरे देना है तो भाई टूल फ्री दे दो, देना है तो हर टूल के साथ 2 ग्राम सोने का सिक्का दे दो, तब तो दम माने आपकी। ये क्या है वो जो पड़ा हुआ कूड़ा जो कहीं बिका नहीं उठा के जी चिपका दिया, थिंक कार के साथ भी लॉन्च का वीडियो स्कोप दे दिया, उसके साथ भी दे दिया, उसके साथ भी दे दिया, क्या है यार ये? और सीरियसली कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, एज टेक्नीशियंस ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, आपने बनाया नहीं, आपने ये गाड़ी खरीदी नहीं और आपने ये गाड़ी खराब की नहीं, तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि आपको जरा सी भी झिझक आनी चाहिए अपने हक के पैसे मांगने में। आप इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं और ये देखें कि आपने कौन से जो गाड़ियां हैं जिसमें आपकी पकड़ है, आप उसको प्रमोट करें। और एज फार एज सर्विसेज की बात है, जब टूल बिकता है, टूल बेचने के बाद जनाब 99% जो ये सारे ऑफर वफर चलते हैं, एक्सचेंज ऑफर फलाना ढंकाना, वो सारे आपको उठा के ग्रुप्स में डाल देते हैं। इनमें से एक भी बंदा सक्षम नहीं है कि आपको 1-to-1 या आपको कोई सपोर्ट दे दे, और ये आप लोगों का हक है, ये सपोर्ट लेना आप लोगों का हक है, ये आपने डिमांड करनी है। मां भी बच्चे को दूध नहीं तब तक पिलाती जब तक वो रोता नहीं, मां को कैसे पता लगेगा कि उसको भूख लग रही है? आप जब तक अग्रेसिव होके अपनी डिमांड्स को नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी तो जो सेलर है, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी है, उन्होंने तो भैया अपना जो माल बेचना है वो तो बखान करना है और कोई ना कोई ऑफर निकालना है, कोई भी कूड़ा करकट आपको चिपका देना है। इट मेक्स नो सेंस, कोई मेरे सेंस में बिल्कुल मेरे को दिमाग में नहीं आता। अरे भाई आपने देना ही है तो मैं कह रहा हूं ना, इतने पाक महीने में, इस पाक महीने में टूल के साथ 2 ग्राम का सोने का सिक्का दे दो ना यार, ये क्या बेहूदी चीजें दे रहे हो? सो मेरा कहना यह है कि ये जो मेन मुद्दे हैं, यही मेन मुद्दे हैं जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड, क्योंकि अगर आपसे गाड़ी बिगड़ गई किसी भी टूल की वजह से, चाहे ये टूल हो चाहे वो हो चाहे वो हो कुछ भी हो, या वो गाड़ी नहीं ठीक हुई, तो आपका कस्टमर आपको बकसने वाला नहीं है, वो कोई नहीं फिर सुनेगा। तो लेने से पहले आप भी ठोक बजा के देखो। सो माय ओनली पॉइंट इज, ये जो फंडे हैं यही मूल मंत्र है, और ये जो चीजें हैं ये हमारे ट्रेनिंग में टेक्नीशियंस को बताई जाती हैं कि जो कमर्शियल, आप गिल्टी मत फील करो कि आपने डायग्नोसिस के पैसे लिए हैं। वहां पे अगर आप ड्राइव के लिए जाते हो ना, अगर उसमें ड्राइव साइकिल में लिखा हुआ है कि 25 मिनट ड्राइव साइकिल आपको करनी है और 2 बार ड्राइव करनी है, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। जब फॉल्ट 2 टाइम्स के बाद फॉल्ट लॉग इन होता है, पहली बार में चेक इंजन नहीं आएगी, दूसरी बार जब आप ड्राइव पे जाओगे तब आएगी, उसके लिए भी उनको सिखाया जाता है कि आपने अपने टाइम के पैसे चार्ज करने हैं। सो माय फ्रेंड्स, टाइम इज मनी, इस चीज को आप ध्यान रखो, इस चीज को अपने जहन में मान लो, और बाकी सब बकवास है, सिर्फ बकवास है, कोई भी करे। सो टिल वी मीट अप अगेन, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।